सो हे गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और आज तुमको दिखाने वाला हूँ एक नया चांद का टुकड़ा। जैसे क्या बोला तूने, आप सामने देख रहे होंगे, अभी मैं हूँ आईटीओ वाले रोड पे। सो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेड़ बहुत है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे मेरी गाड़ी से दिख रहा है। मैं थोड़ा ये स्कूटी वाले भैया अपनी ऐसी ना कराए तो हम तुमको ये चांद नहीं सूरज दिखाएंगे। ये भैया इंडिकेटर दे रहे हैं उधर का, घुस रहे हैं राइट हैंड में। आई डोंट नो, लोगों का ड्राइविंग स्किल इतना खराब है। बात ही कर लिया, फोन चला ले साले, पता नहीं दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा। इन चम्मू चौंतियों के चक्कर में रह गए यार, हट। पूरा साइड में ले जाना पड़ेगा, हल्का हल्का सा दिख रहा है, गजब दिख रहा था यार, अच्छा खासा दिख रहा था। साला मूड खराब कर दिया यार, पूरा मूड की बहन माँ कर दी इन्होंने यार। इतना अच्छा खासा व्यू दिख रहा था, इतना सॉलिड लग रहा था। दिखाता हूँ अभी, हो सके तो ट्राई करता हूँ, ट्राई गजब। गाइस जैसे देख रहे होंगे तुम, पूरा थोड़ा सा दिख रहा, मैं जूम करने की कोशिश करूंगा, गाड़ी भी चला रहा हूँ, कहीं और ही हो गया रे। तो हल्का हल्का दिख रहा है, इतना लाल दिख रहा है ना, मजा आ गया देख के, सच बता रहा हूँ। लग रहा है वो क्या बोलते हैं, संतरा होता है ना, संतरा जस्ट लाइक अ संतरा। ठीक है, कुछ भोपड़ी वाले ना समझ नहीं आता, ड्राइविंग इतना गंदा है इन लोगों का। इनको साला तुम रेगिस्तान में भी साइकिल चलाने के लिए बोलोगे ना, ये तब भी साला टेढ़ा मेढ़ा चलाएंगे, पता नहीं क्या है साले। खैर, तुम्हारा भाई आ रहा है नए ब्लॉग के साथ, सो वेलकम माय न्यू ब्लॉग। ये बोल चुका हूँ लाइन, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फेस नहीं दिखाया था। ठीक है, तो मजा आ रहा है गाइस, बहुत जिंदगी खचपच खचपच चल रही है और जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे। बट कुछ ना कुछ ऐसी भसड़ होती है जिंदगी में, समझ नहीं आता है क्या करें कहां जाएं। पता नहीं क्या हो गया है यार, हर कोई पैसा चाहता बट पैसा कमाने के लिए टाइम लगता है, टाइम कोई देना नहीं चाहता है और सब अमीर बनना चाहते हैं जल्दी। हाउ इज पॉसिबल यार, इतना कुछ करना है, मतलब अब समझ में आता है कि ये भी करना है, ऐसे करना, वो भी करना है यार। मैं तो पापा को सलूट करता हूँ अपने कि इतना टाइम में इतनी सारी चीजें कर ली। बाप रे, हर बार मन यही करता है, ये भी कर लो ये भी कर लो ये भी कर लो, यहां से पैसा आ जाए वहां से पैसा आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं से पैसा नहीं आता है। उसका रीजन एक ही है गाइस, उसका एक ही रीजन है कि हम कहीं भी कंसिस्टेंसी के साथ टाइम नहीं देते, काम नहीं करते। दैट्स द रीजन हम इधर उधर फंस के रह जाते हैं आधा अधूरे में। सो आई प्लान समथिंग कि जो मेरे दिमाग में है, मेरे जो इस 250 ग्राम के अंदर है, मैं कुछ कर पाऊं अच्छा है। खैर, कैमरे के आगे मैं अच्छा बोलने लग गया हूँ। जो मर्द होता है ना, उसको कितना भी मारोगे ना, वो कभी रोएगा नहीं, रोएगा ठीक है, लेकिन अगर वो जब रोता है ना, तो सोचो कितना ही भयंकर दर्द में होता होगा। थोड़ा थोड़ा ठीक है, एक्सप्रेशंस का पता नहीं। तुम्हारा भाई का ब्रॉड माइंड, ये देख रहे हो चश्मा आ रहा। ये भैया देखो, तुमको दिखा, ये जो चावल है ना, इसे यहाँ पे ना रुका नहीं गया, रेड लाइट है सामने, रेड लाइट है, बट इसे जाना है, टट्टी लगी है इसको, जा जल्दी जा जा निकल, इतना प्रेशर आया क्या, जिंदगी हो गई है महरूम और अब खाएंगे मशरूम। नचिया
कैसा था डायलॉग है, जिंदगी हो गई है महरूम और हम खाएंगे मशरूम। हमने तुमको दिल दिया, दिल के बदले तुमने पेल दिया, ना जाने कैसे कैसे कहे हम। ये क्या मजाक है, ग्रीन लाइट हुई फिर रेड लाइट हुई, व्हाट गोइंग ऑन। चलो लेफ्ट साइड का खुला थोड़ा, गाड़ी चलेंगी शायद, हम अपना इंडिकेटर दे देते हैं पहले ही। ललिता चलो गुरु, चल मेरा भाई, चलता रे। हेलो ब्रदर, ब्रदर, हेलो ब्रदर, उसकी से क्या लेना, जिंदगी से क्या लेना, हमको तो लेना है तुमसे है लेना। ओ यारा मेरी यारी पे कुर्बान। ये भैया इनको सालों को टट्टी आई है क्या लोगों को कि जाना है। Excuse me. Wow. What a. ये कुछ चौमू चंद चूतिए लोग, हमको लेफ्ट साइड में जाना है, बट ये अखंड प्रकार के लोग रेड लाइट पे जाना सीधा होता है घुस जाते हैं लेफ्ट जाने की साइड पे। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, देखो मतलब उस चौमू चूतिए की वजह से ना सब लोग वेट करेंगे, और जबकि ग्रीन लाइट हो रखी है लेफ्ट साइड की। पता नहीं कहां कहां से आ जाता है ये। चलता रहे, पागल समझा हुआ है तुम लोगों को, तुमने लोगों को बीवी से मार खा लोगे और आ जाओगे सालों यहाँ पे सड़कों पे। ये हमारे केजरीवाल तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए, बोल ना। अरे हम तो कब से वेट कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी हंस रहे हैं। ये दोस्ती छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हर जगह रेड लाइट है यार, हर जगह रेड लाइट है। ये रेड लाइट दिल्ली में इतनी रेड लाइट है ना, मतलब तुम्हारा अगर टाइम के साथ चीजें वेस्ट ना हो ना तो इन दिल्ली वालों को मजा नहीं आता है। हो गई खैर, ग्रीन लाइट बोलती कोसने वाला था, पहली कर दी, शायद समझ गया मेरी बात कि आगे फूटने वाला है, इसलिए ग्रीन कर दी। इतनी बात गाइस, मैं आपको ना एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो मेरा लैपटॉप चोरी मिला ना, महाकसम।